फाइनली भाई आ चुके हैं अपने होटल से। और भाई खाना बड़ा ही टेस्टी खाना था और मैं डीडी भी आपके भाई दिल से धन्यवाद थैंक यू करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे को इतना अच्छा एक्सपीरियंस दिया। एक शार्क कार्ट के बारे में भाई, ये दिस इज शार्क कार्ट, ये रहा इनके एक साइट है, गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हो आप शार्क कार्ट को। फाइनली भाई आ चुके थे हम KTM के अंदर। मैं बताता था कि कुछ खराबी आई है, तो KTM के अंदर आए थे पहले तो उनको समझ में नहीं आई, फिर बाद में जब उनको समझ में आई तो वो रिबूट करेंगे स्क्रीन को। सो फाइनली भाई कम से कम भी नहीं ना तो हम अपने एम्बियंस मॉल से 17 से 18 किलोमीटर की राइड कर चुके हैं और अब फाइनली हम यहाँ से ले रहे यू टर्न। फरीदाबाद से पहले जो टूल टैक्स आते हैं ना भाई, उस टूल टैक्स से हम पहले यू टर्न ले रहे हैं। और देखो भाई यहाँ पे भी गाड़ियाँ रोक रखी है इन्होंने, मतलब यार आपको इतना सपोर्ट मिलता है, इतना अच्छा माहौल मिलता है, जेन्युइन। मतलब भाई मैं जितनी तारीफ कर रहा हूँ ना उतना कम था, मेरे को बहुत मजे आया यार। मैं हमेशा एक ही बात कह रहा हूँ डीपी भी यार, थैंक यू सो मच, क्योंकि यार भाई बंदे इतनी मेहनत कर रहे थे, आपको ना एक एक चीज़ बता रहे थे, एक एक चीज़ नियम सिखा रहे थे, आपके लिए ट्रैफिक रुकवा रहे थे। तो भाई एक लाइक शेयर कमेंट तो बनता है। फाइनली भाई आ चुके हैं हम अपने होटल से और अब करते हैं बाइक को स्टार्ट। 10:30 हो गए यार, वहाँ पर थोड़ा गेम घूम स्टार्ट था और होटल के अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, इसलिए सभी का कैमरा जैसे हम होटल के अंदर अंदर आए ना वैसे बंद करा दिया। और भाई खाना बड़ा ही टेस्टी खाना था और मैं DDVR के भाई दिल से धन्यवाद थैंक यू करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे को इतना अच्छा एक्सपीरियंस दिया। मेरी फर्स्ट मोटो राइड थी जो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद भी आई यार, मतलब ऐसी कोई बात नहीं कि मेरे को पसंद नहीं आई, एक नंबर थी। हाँ बस बीच ट्रिप में जब उन्होंने डांस वंस करवाए जब हल्का सा मैं बोर हुआ था, वो बोर इसलिए हुआ था क्योंकि मेरे साथ के बंदे नहीं है ना, अगर क्या भैया अंदर ढूंढा मैं आपको मिले ही नहीं मेरे को भैया, मैं तो अंदर वहाँ साइड में बैठा था जहाँ वो सब डांस करते ना उसके साइड में था मैं। ओके भैया पहले हुआ तो पहले अपन वैसे डन। ओके भैया चलो भाई एक नए दोस्त बन गए हैं और अब चलते हैं सीधा घर। वो भाई ये क्या है, घर नहीं चलेंगे सबसे पहले, मैं सोच रहा हूँ कि जो वो निशान आएगा ना सबसे पहले इसे बीच रस्ते में वो आएगा KTM का शोरूम आएगा, फिर तो इसको चेक करवाते हुए फिर निकलेंगे ठीक है। तो पहले चेक कराएंगे इसके बताया कि चीज़ खराबी प्रॉब्लम आ रही है, अगर कुछ नॉर्मल हुई तो ठीक है, अगर कुछ ज़्यादा बारी हुई तो ठीक करा देंगे और डैम फिर उसके बाद चलते सीधा घर, नहीं जाना पड़ती यार। Yo soy una hija del Intisol, de la Pachamama y del Intisol. Yo soy hermana del pueblo Coya, del Inqui hermano y de la Aymara, de la Aymara, la Aymara.
अंदर को मैं बताता था कि कुछ ख़राबी आई है, तो के टी एम के अंदर आए थे, इन भाइयों से मुलाकात की, अपने अक्षय भाई है यहाँ पे, आओ और अक्षय भाई से काम कराओ, भाई जेनुइन काम करते हैं। और इन अक्षय भाई से बात करा, अक्षय भाई बताने लगा कि यार भाई इतनी कुछ खास तो ये दिक्कत आ नहीं रही है, कुछ अंदर से ही मतलब वो स्क्रीन के अंदर कोई दिक्कत है। तो मैं भाई ठीक करो लोग के करता हूँ, पहले तो उनको समझ में नहीं आई, फिर बाद में जब उनको समझ में आई तो वो बोले भाई मैं कंफर्म नहीं है अभी, आप चलाओ इतने आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कुछ ख़राबी होते हमें। मैं ओके, तो उन्होंने बताया कि भाई ये मतलब काफ़ी देर बाद बात होने के बाद उन्होंने बताया कि ये सर्विस के टाइम के ऊपर दिक्कत आती है, कोई ग्लीच आ रहा है स्क्रीन के अंदर, वो एक दो दिनों के अंदर या तो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा या फिर दोबारा से सर्विस के अंदर बुलाएंगे और वो रिबूट करेंगे स्क्रीन को। मैं चलो कोई बात नहीं, बाइक चल रही कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस कभी कभार वो मन में जो वहम हो जाता है ना कि यार ये क्या हो गया, एकदम से दिक्कत कैसे आ गई, वो दिक्कत थी, वो दिक्कत हो चुकी ख़त्म। अब चलते हैं सीधा शुभम के घर, यहाँ से सीधा मैप लगाएंगे शुभम के घर का, मे बी आधा एक घंटा लगेगा, सीधा चढ़ेंगे साइड में अपना NH8 है, NH8 पकड़ते हैं, फिर निकलते सीधा शुभम के घर। और वहाँ से जो है मेरे को लैपटॉप जो मैंने कल शुभम को दिया था, क्योंकि मेरे में जो एडिट करता हूँ ना, एडिटर आप सबको पता है शुभम ही है मेरा भाई, एडिटिंग का सारा जिम्मा शुभम ने खड़ा था मेरे चैनल का, तो जो भी जितना भी सिस्टम उस्टम है कि कौन सा अकाउंट करना, कौन सी ऐप से एडिट करनी, कैसे करनी, कैसे नहीं करनी, अगर उसके पास टाइम होता तो वो खरीदता है या फिर वो मेरे को समझाता है वीडियो कॉल वगैरह में, तो फिर मैं समझता हूँ, दो तीन दिन उसके पास क्लास करता हूँ, मतलब मेरे पूरी जिम्मेदारी देखते हम से एडिटर शुभम की शुभम। फाइनली भाई आ चुके हैं अपने घर, और शुभम के घर में गया नहीं क्योंकि जब उसके घर के पास पहुंचा पता लगा कि वो अपने मामा के था, तो वहाँ मैं जाना पाया तो सीधा घर आ गया था, घर आते के साथ सो गया था, देन उसके बाद फिर एडिटिंग के ऊपर बैठा, फिर पता लगा कि एंड तो करा ही ना, कोई अजीब सा एंड हो गया था। तो एंड करने से पहले बता देता हूँ मैं एक शार्क कार्ट के बारे में, भाई ये दिस इज शार्क कार्ट, ये रहा इनकी एक साइट है, गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हो आप शार्क कार्ट को, डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक भी दे दूंगा, वहाँ से आप अगर आप बाइकर्स हो और आपको कोई भी बाइकर से रिलेटेड राइडर से रिलेटेड कोई भी गियर चाहिए तो आप उसको इजीली परचेज कर सकते हो, दिल्ली का नंबर वन इनकी वो क्या कहते हैं साइट है, उस पर आप जाओ ऑफलाइन ऑनलाइन जहाँ से भी देकर लेना चाहो ले सकते हो। और जो जो भाई इस ट्रिप पे गए थे मतलब राइड पे गए थे उसको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा, बाकी ये 6 स्टिकर है इनको मैं लगाऊंगा अपने हेलमेट पे और बाइक पे, देखते बाइक पे अगर अच्छा लगता है तो बाइक पे लगा लेंगे, बाकी जाना चेकआउट करना और DBBR को फॉलो कर लो प्लीज़, क्योंकि हर महीने एक राइड आती है शनिवार को, अगली वाली राइड का अगले महीने जो राइड आएगी उसके अंदर काड़ू मामा मोहित मामू और अक्षय भाई पक्का डन है, शायद शुभम भी हो सकता है, बाकी मेरे को कंफर्म है नहीं, हम 4 जने जाएंगे भाई, मेरे को बहुत मज़ा आए और थैंक यू DBBR इतनी अच्छी राइड करवाने के लिए और इतनी अच्छी फैकल्टी देने के लिए, होटल खाना एक नंबर था। बाकी ये रहा अपना कैमरा, भाई इसने बहुत साथ दिया, बिना माइक के भी भाई एक नंबर की वॉइस दी इसने, हालांकि कहीं की जगह मैं वॉइस ओवर दे रहा हूँ जहाँ पे आवाज़ बिल्कुल समझ में नहीं आई ना वहाँ मैं वॉइस ओवर दे रहा हूँ, बाकी मज़ा है। और बाकी आप मेरे हेलमेट के बारे में बताओ यार कितना प्यारा लग रहा, और ये रहा अपना कैमरा। तो चलो इसी के साथ करते इस व्लॉग को एंड, उम्मीद करता हूँ आप इस व्लॉग को बहुत ज़्यादा प्यार दोगे, और अगर आपने नहीं देखा तो एक बार प्लीज़ एक बार और देख लेना, मज़े आए तो मेरे को थैंक यू बोल देना कि हाँ भाई मज़े आ गए। और अगर आप भी राइड पे चलना चाहते हो तो DBBR को फॉलो कर लो आने वाली अपडेट्स के लिए, बाकी चलो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जो हो सके वो कर देना, बाय गुड नाइट आई लव यू। खबरां ची आउंदा तेरा ना, मैं था मर जानिया वे, मैं था मर जानिया।